नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं और इस समय बजने वाले हैं 9:30 और हो रहा है सुबह का टाइम। आज मतलब कोटा मिला है, जो गल्ला मिलता है सरकार की तरफ से कोटेदार देते हैं, उसमें गेहूं, चावल, रिफाइंड चना, नमक, चीनी मिला है आज। और गेहूं धो के हमने डाल दिया है, मतलब मम्मी ने धुला है, हमने नहीं। और बाबू देखिए हमारा क्या कर रहा है। बाबू बाबू हाय बोलो, बाबू हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। हाँ हाँ हाय बोल रहे आप लोगों से। और देखिए ये आज स्कूल नहीं गया, ये इसके नाक पे देखिए क्या हो गया, पूरे फेस पे। गाना हो गया है और गेहूं धो के डाले हैं और दिखा रहे हैं आप लोगों को। छत तो है नहीं कि छत पे डाले, 3-4 दिन लग जाएंगे गेहूं सूखने में। दिखा रहे हैं आपको बैक कैमरा करके, देखिए गेहूं यहाँ धोकर डाला हुआ है नीचे ही, यहाँ पे आधा डालना है इसको नीचे, लेकिन इतना पहले सूख जाए तब इसको डालेंगे। और यहाँ पे इतने बर्तन है, सिस्टर पानी डाल रहे हैं उसमें, हम धुलना है, बर्तन मांजना है। और वहाँ उतने कपड़े हैं, कल बृहस्पतिवार था, कपड़े नहीं धुले थे तो सब कपड़े हैं। बहुत काम करना है आज। देखिए फ्रेंड, भगवान की अजब लीला है। अभी 5-6 दिन से इतनी लगातार धूप हो रही थी, आज जब आज हमने गेहूं धुल दिया, एक तो छत नहीं है हमारे और गेहूं धुल के डाल दिया, तो भगवान छाए कर रहे हैं। देखिए बादल कर रहे हैं, अब बादल करना चालू कर दिया। मेरा गेहूं कैसे झुराएगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। गरीब के ऊपर सब अत्याचार करते हैं, इंसान भी और भगवान भी, समझ ही नहीं आता है। और देखिए ये मेरा बाबू नहा लिया है, इनकी तबीयत हल्की हल्की जैसे ख़राब है, लग रहा है फीवर है इनको। और वो बड़ा वाला तो गुस्सा होकर अंदर गया, देखिए आया है पास में मेरा बेटा, आ जा। ये पुराने जमाने के फूल, वो गुस्सा के जा रहा है अब घर में, बहुत रिसीला है वो। इधर देख बा हमार जानू, बोलो 3 दांत इसके मुंह में, दांत दिखा रहा है आप लोगों को। बोले बोलो बताओ। देखिए फ्रेंड, इस समय शाम का टाइम होने जा रहा है, 3 बजने जा रहे हैं, तो इस वजह से हम शाम का नाश्ता बना रहे हैं। तो नाश्ते में हम बनाएंगे मैक्रोनी, और जो कि हमने पहले ही रख दिया है गैस पे पानी, इसमें हल्का सा नमक डाल के और थोड़ा सा देसी घी डालकर, जो कि मैक्रोनी उबले तो वो एक दूसरे में चिपके ना, क्योंकि जब भी मैक्रोनी अगर हम लोग उबालते हैं तो एक दूसरे में चिपक जाती है। तो इस वजह से पानी मैंने पहले से रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हमारा पानी गर्म हो गया है, अब हम जा रहे हैं इसमें मैक्रोनी डालने। वो चिल्ला रहा है, पागल हो गया मेरा बड़ा वाला बेटा, क्या अब करें। अब देखिए इसमें हम मैक्रोनी डाल रहे हैं बॉयल होने के लिए और उबलने के लिए, ये एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। देखिए मैक्रोनी उबलने के बाद हम उसमें क्या क्या यूज़ करेंगे। इसमें मैंने 2-3 प्याज काटे हैं और 1 बड़ा टमाटर और 3 छोटे साइज की मिर्ची। इसमें हम अब इसको डालने जा रहे हैं, मतलब इसमें तेल डालेंगे पहले कढ़ाई में, हम पहले गैस ऑन करेंगे फिर तेल डालेंगे। इधर अपनी मैक्रोनी उबल रही है, जब तक हमारा मसाला रेडी होगा तब तक मैक्रोनी उबल जाएगी। और इसमें पहले देखिए तेल डालेंगे अपने अनुसार, आप तेल डालें कढ़ाई में और तेल को थोड़ा गर्म हो जाने दें, गर्म होगा। और देखिए मेरी मैक्रोनी उबल रही है, और देखिए मैक्रोनी हमारी चिपकी नहीं है, अलग अलग है। और ये अगर ऐसा हम पानी गर्म पहले कर लेते हैं और हल्का नमक डाल देते हैं और उसमें हल्का सा घी डाल देते हैं तो मैक्रोनी चिपकती नहीं है।
जरा वीडियो जब स्टार्ट करो तब जरी ना किजर गया फिर काटा के मेरा तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम प्याज डालने जा रहे हैं। प्याज डाल रहे हैं। ये घर की चीज़ों से बन जाती है माइक्रोनी। मैंने मेरा बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं। और देखिए मिर्ची भी मैंने इसी में डाली जो कि अच्छे से हो जाए। अब प्याज को इसमें फ्राई करेंगे जब तक हल्का ब्राउन ना हो जाए। और माइक्रोनी मेरी इधर बाउल्ड हो रही है, ये भी आप लोगों को दिखा दें। देखिए बाउल्ड हो रही है हमारी माइक्रोनी। जब तक ये बाउल्ड होगी तब तक हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। हल्की आँच पे करना है आपको ये सब। और देखिए मैंने इसमें यूज़ करना है ये राजेश का 1 रुपए का जो सब्जी मसाला आता है, इसको हम यूज़ करते हैं। मुझे यही मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से हम यही मसाला ज़्यादा यूज़ करते हैं सब्जी में भी। हम यही मसाला यूज़ करते हैं। और नमक, इसमें इस माइक्रोनी को बनाने के लिए ज़्यादा से चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे घर का खुद का तरीका है, मैं ऐसे बनाती हूँ और बहुत टेस्टी भी बनती है। अभी आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग पे, आगे आपको दिखाते हैं कि आगे क्या कैसे रेसिपी है इसकी। देखिए प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है और इसमें अब डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर और प्लस ये राजेश का मसाला 1 पुड़िया, इसमें अब डाल देंगे और हल्का सा जिस पानी में हम लोग ये माइक्रोनी अपनी बाउल्ड कर रहे हैं उस पानी को टमाटर को पकने के लिए। और इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक भी हम लोग ऐड कर लेंगे। लोगों को थोड़ा चटक नमक पसंद है तो इसलिए मैं चटक रखूंगी, और आप लोगों को जिस तरह का नमक पसंद है आप लोग रखें। हम इसमें हल्दी का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि राजेश मसाले में सारे मसालों का मतलब स्वाद आता है, तो इस वजह से हम हल्दी यूज़ नहीं करेंगे। और देखिए मेरी माइक्रोनी बाउल्ड हो चुकी है, अब इसको मुझे पानी से अलग करना है। देखिए अब चल रहे हैं इसको पानी से अलग करेंगे, आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। इस गैस की फ्लेम को कम करेंगे जो कि हमारा मसाला जले ना। और बहुत चमल गई ना मैं। देखिए अब जितने पानी से माइक्रोवेव करने अलग कर दिया, देखिए कितनी फ्रेश माइक्रोवेव हमारी हुई है। फोटो खींचा कितनी फ्रेश माइक्रोनी हुई है। देखिए देखिए फ्रेंड माइक्रोनी बन गई है, अब इसका टेस्ट होगा और टेस्ट करके बताओ। तुम अपना लो गुड़े खा के बताओ, मम्मी खा के बताओ वाला कैसी बनी है। पैर देख लो इनके, अच्छा है मुंह में गया नहीं, अच्छा है। मियाँ सिस्टर खाने जा रही है। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो देखिए बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी में आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। और अगर हमारी माइक्रोनी का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको मेरा तरीका। कम सामान में और बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है हेल्दी। और बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें रुक्मणी 824 पे।